हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हमारे सभी रिकवरी दलों का धुआं निकालने वाले दिलेरी भाइयों, तो भाइयों इस वीडियो के अंदर दो ऑडियो हैं, दोनों ही लॉजिक के ऊपर हैं, दोनों ही मज़ेदार ऑडियो। लास्ट वाली काफ़ी मज़ेदार है, यूपी का बंदा था तो उससे काफ़ी मज़ेदार बातें हुई हैं, और जो फर्स्ट वाली है उसमें मैडम से बातें हुई हैं। तो बस भाइयों, लॉजिक तो इनके पास होता नहीं है, और जो इन्होंने सीख लिया, जो सीनियर ने बता दिया कि ऐसे बात कर लो वैसे बात कर लो, वो इन्होंने हक दिया है। नहीं, ये नहीं पता क्या हक रहे हैं, बस जो रट लिया वो हक दिया। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या आ गया एजेंटों ने। हेलो। हाँ जी, एक मिनट। अर्चनली जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है। हाँ जी सर, मैं निशा बात कर रही हूँ 5 की साइड से। या आपने 5 को लोन लिया तो उसकी EMI नहीं भरी, कब तक भरेंगे बता सकते हैं? कुछ ड्यू डेट भी निकल रही। मैडम भरेंगे जब आपकी 5 कंपनी बंद हो जाएगी तब भरेंगे। क्या? जब 5 कंपनी बंद हो जाएगी ना, ताला लग जाएगा तब भरेंगे। क्यों सर? तब भरने का मन है ना मेरा। क्या? तब मेरा देने का मन है ना। तो सर लोन भी जब ही लेते ना, जब कंपनी बंद हो जाती तो कंपनी बंद हो जाती तो लोन कैसे लूंगा मैडम? लॉजिक लगाया करो, बिना लॉजिक तो भूल दिया आपने। कहाँ लगा पड़ा है बताओ, किधर लगा है? लॉजिक का दिमाग में लगा है, हाथ पे लगा है, पैर पे लगा है, कहाँ लगा है? मेरा सही जगह लगा है, आपका लॉजिक सही जगह है? अरे आपका लगा किधर है? दिमाग में लगा है, हाथ पे लगा है, पैर में लगा है, कहाँ लगा है? बात है ना करे, EMI बताइए कब भरेंगे। लॉजिक किधर लगा है? लॉजिक किधर लगा है मेरे को ये बताओ। सर मैंने तुमसे इतने बकवास तो करी नहीं, मैं तुमसे अरे लॉजिक के रन लगाया है मेरे को ये तो बता दो मैडम जी, लॉजिक लगा के लॉजिक आपसे पूछ रहे हो, लॉजिक लगा के दर है? आपके हाथ पे लगाया, पैर पे लगाया, दिमाग में लगाया, कहाँ कहाँ लगा बताओ? बताइए होता क्या है? लॉजिक बोल तो दिया आपने, होता क्या है लॉजिक ये तो बता दो। अरे आपने बोला ना लगा पड़ा है तो आप बताओ तो लॉजिक। अभी तो आपने जब मैडम आपका लगा पड़ा है और आप मुझसे पूछ रही हो कि लॉजिक क्या होता है, तो देखा है कहाँ लगा है, तो दिमाग पर नहीं लग गया? पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? मैं जब सीधी सीधी थी तो वही तो कह रहा हूँ, लॉजिक आपके लगा हुआ है ना। मैं चलो मेरे को नहीं पता, मैंने बोल दिया। चलो तुमने बोला लगा हुआ है तो मुझे बताओ तो लॉजिक लगा कहा है, होता क्या है? चलो तुम बताओ। लॉजिक तो दिमाग में लगा हुआ है, सही जगह लगा हुआ है मेरा लॉजिक। दिमाग में लगता है लॉजिक? अच्छा, मैंने सुना है विचारों में लगता है लॉजिक। थिंग्स होती है ना, इसीलिए थिंग्स होती है ना, बातें या विचार वहाँ पे लगता है लॉजिक, बाकी दिमाग में लगा है तुम्हारे बस की बात है। देखिए आप फालतू बात कर रहे हैं, बस आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं, बहुत काम है हमारे पास। इतना बताइए EMI कब भरेंगे आप? पर मैडम मतलब EMI तो खैर कंपनी बंद होने पे भरूंगा, लेकिन मतलब एक क्वेश्चन है मेरे मन में, मेरे भी दिमाग में लग सकता है लॉजिक, मेरी बातों में लॉजिक होता है लेकिन दिमाग में लग सकता है मेरे लॉजिक। हैरान हो परेशान भी हो मैं, हेलो हेलो हाँ बताइए सर कब देंगे लोग? वही तो पूछ रहा हूँ मैडम, मेरे दिमाग में लॉजिक लग सकता है सर। देखिए फालतू बातें करने से अच्छे जैसे लोन लिया था वैसे EMI भर दीजिए। लोन कैसे लिया था बताओ? लोन लिया था ना आपने, बहुत देर हो गया। कैसे लिया था वो तो पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन लोन लिया था 5 से। क्या मतलब मैडम ऑनलाइन ना? ऑनलाइन कैसे लिया जाता है? नहीं मैं पूछना चाह रहा था, वो लॉजिक है ना आपके दिमाग में, इसलिए क्या पता कुछ और मतलब तरीका होता और हमें गलत पता हो। एक ही तरीका, आप EMI पेमेंट कर दीजिए, आपके पास लॉजिक। तो मैडम मैं जो है ना सारा मिल जाएगा, आप EMI पेमेंट कर। और मेरे पास ऑनलाइन पैसे नहीं है ना, बैठ के मैं लॉजिक ही लॉजिक दूंगी, पेमेंट तो कर। अच्छा आप बैठ के घर पे दोगी या कॉल पर दोगी? मैं हर जगह दे दूंगी, तुम लॉजिक वाली पेमेंट। आप मैडम मेरे घर आ जाओगी? पेमेंट तो करिए। नहीं वो तो ठीक है, आप घर आ जाओगे मेरे? पेमेंट करोगे सर या नहीं करोगे या फिर कुछ बोलूंगी तो मैं? आप बोलो, मैं कोई मना कर रहा हूँ बोलने से? बोलो एक मिनट होता है बस। आप हाँ आप बोलो। क्या बोलो? बोलिए क्या बोलो? पेमेंट करनी है नहीं करनी?
बताया तो मैंने। सुनिए मेरी, लोन लेते टाइम तो आपने कुछ नहीं करा, अब पेमेंट करते वक्त ये आप लॉजिक अनलॉजिक इतना सब कुछ लेके बैठ रहे हैं। आपको लॉजिक अनलॉजिक तो सिखाती है बाद में, आप पेमेंट कर दोगे? नहीं, मेरे को ये बताओ, समझाओ कैसे घर आ गए कॉल पर ही। मैं समझा दूंगी सर, मेरी दिक्कत मत लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए। अरे तो समझना तो मुझे तो पूछूंगा, तो मैं कैसे समझाऊंगी? समझाऊंगी ना सर, आराम से समझाऊंगी, बैठ के कॉल पे ही समझाऊंगी आपको, ठीक है? हेलो, पेमेंट कब करेंगे? पेमेंट सर मेरे को बताओ तो सही, कैसे समझाओगी? एक मिनट रुको, मैडम जाना मत कहीं। हेलो, हाँ, आपको वो ईएमआई नहीं भरनी ना सर? किसने कहा आपसे? मैं तुमसे इतना पूछ रही हूँ, ईएमआई नहीं भरनी ना आपको? आपसे किसने कहा? हाँ या ना, मैं जवाब पूछ रही हूँ। अरे बोला था इसने आपसे, ये तो बताओ मेरे को। अच्छा आप भरेंगे या नहीं अच्छा, भरेंगे? आपके लॉजिक नहीं तो नहीं कहती आपसे ईएमआई भरेंगे या नहीं भरेंगे, इतना हाँ या ना में जवाब। मैडम मेरे पास कैश है, ऑनलाइन नहीं है ना, दिक्कत ये है। शाम को निपट लूंगी आपसे लॉजिक और लॉजिक के मामले। हाय हाय, शाम तो हो ही रही है, और कितना शाम में निपटोगी? शाम ही होने वाली है थोड़ी देर में। ईएमआई भरनी है आपको? शाम में आप कैसे निपटोगी, कॉल पे निपटोगी या घर पे आके निपटोगी? ईएमआई भरनी है या नहीं भरनी? आपका नाम क्या है मैडम, एक बार दोबारा बताना। ईएमआई भरनी है नहीं भरनी? मैडम मेरे पास कैश है ना, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जाके करवा लीजिए, दुकान पे जाइए। मैंने मैंने जो है ना, अभी क्या है ना, मैंने मन्नत मांगी हुई है, मैं 15 दिन को घर से बाहर नहीं निकली हूँ। 15 दिन को मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मन्नत मांगी है मैंने। आपका नाम क्या है इतना बता दीजिए। मेरा नाम तो मैडम मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभार। नाम तो आ गया, कोई दिक्कत मत लीजिए, आज से आराम से लॉजिक एंड लॉजिक तो। हाय हाय मैडम, रात में करोगी? मैडम क्या क्या करोगी रात? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विनीत साहू बात कर रहे हैं? जी 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 विनीत जी, आपका एक इतना छोटा सा लोन अमाउंट रह गया 1600-1700 रुपए का, आपकी 1699 की। कौन बोल रहा है? वो भी सर नहीं भर रहे हैं, बैंक आपसे 1 रुपए ब्याज का नहीं ले रही है, तब भी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं लोन को। कौन बोल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ सर, अभिराज पाठक, HDFC बैंक से। अभिराज पाठक जी, जी पहचाने के सर? नहीं भाई साहब, पहचाने तो। अच्छा तो सर, एक आपका एक लोन हुआ था जिसका अमाउंट बहुत मामूली से आया सर, 1699, ठीक है सर, इतना ही आपको जमा करना, अपना सिविल खराब करवा रहे हैं सर, क्या इशू आ रहा है भाई साहब? सिविल खराब होने तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सिविल चेक करना तो पता चल जाएगा क्या इशू आ रहा है, समय से पता लगेगा। हाँ सिविल चेक करके पता चल जाएगा। चलिए आप मुझे बता दीजिए, कोई समस्या नहीं, जमा करिए ना करिए, बता दीजिए क्या बात हो गई भाई। मल्टीपल लैपटॉप है ना, मल्टीपल लैपटॉप है ना, मल्टीपल लैपटॉप क्या क्या मल्टीपल लैपटॉप है? मल्टीपल लोन है आपके पास? हाँ। अच्छा तो ये मतलब आपने फ्रॉड किया था या आपके साथ फ्रॉड हुआ था? ऐसा फ्रॉड कहाँ से आ गया बीच में? मतलब जो होता है ना मल्टीपल लोन का मतलब होता है सर कि आपके नाम पे किसी ने 2-3 लोन करा दिए, या आप अपने नाम पे 2-3 लोन कराए हैं। तो भाई जी मैं आपकी लैंग्वेज में, मैंने फ्रॉड किया? अरे सर अब मैंने थोड़ी कहा आपने फ्रॉड किया, मेरा कंसल्ट ये है कि कभी कभी कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई इशू हुआ है क्या? नहीं भाई साहब, मैं फंस गया हूँ, मतलब मैं इशू कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से लिए लोन। अच्छा सर जमा नहीं कर रहे हैं आप? जमा करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे, जमा करेंगे अभी आराम से 2-3 महीने बाद। सर 2-3 महीने बाद जमा करेंगे सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही लोन है, लेकिन आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप तो समझदार होंगे सर, पढ़े लिखे, सिविल खराब हो जाएगा आपका। आपको एक मतलब शब्द आपने सुना होगा, लॉजिक, लॉजिक सुना आपने? लॉजिक नाम का शब्द सुना है? लॉजिक नोटिस हमने भेजा है। लॉजिक, लॉजिक नोटिस? हाँ नोटिस क्या किस चीज का सर? अरे भाई साहब लॉजिक, लॉजिक LOGIC, लॉजिक लॉन्जेस, लॉन्जेस लॉन्ज एक्सेस बता रहे हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं।
एरोप्लेन वाले लॉजिक कह रहा हूँ, लॉजिक LOGIC लॉजिक 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 सॉरी लॉजिक लॉजिक नाम का शब्द सुना आपने? हाँ, तो मैं क्या कह रहे हैं लॉजिक लॉजिक हाँ से जानते हैं, जैसे मेरी बातों का लॉजिक है ना, जो तर्क बता रहे हैं ना आप सर। हाँ बताइए। तो वैसे ही मेरी जो मैंने आपसे बात की उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, उसमें लॉजिक है मल्टीपल डेप्थ में आप कस्टमर नहीं दे सकते इतने वो, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा तो इतना बता दीजिए सर, ये मतलब आप खुद कराए थे ना ये किसी के नाम, आपने खुद अपने आईडी पे आप ही है ना? हाँ मैंने अपने आईडी पे कराए थे। आपको फिर क्या इशू आ रहा है भाई साहब? बस आपका जो है ना, अभी एक मेरी मैडम से बात हुई थोड़ी देर पहले, तो वो मैडम कह रही थी, मैंने कहा मैडम आपने मतलब आप लॉजिक नहीं लगाती हो बातों में। मैंने उससे बोला था मजे मजे में कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तब पैसा दूंगा, तो वो बोल रही है कंपनी बंद हो जाएगी तभी ले लेते। मैंने कहा थोड़ा लॉजिक लगाओ, कंपनी बंद होने के बाद कौन सा पैसा आएगा? तो फिर वो कह रही है कि मेरे दिमाग में लॉजिक है। मैंने कहा हमारे विचारों में लॉजिक होता है, बातों में और विचारों में लॉजिक होता है, आपके दिमाग में लॉजिक है तो बहुत बड़ी बात है कि आपके दिमाग में लॉजिक है मैडम। तो मुझे मतलब वैसे वाले सीन आपके साथ मैं आपको समझा नहीं सकता। अच्छा मतलब काफी देर बहसबाजी हुई? नहीं काफी देर नहीं, 7 मिनट के बाद वो ये कह के चली गई शाम में देख लूंगी, तो मैं शाम को दोबारा कॉल करूंगी। खेल रहे भाई है? क्या करो यार, थोड़ा सा ना मतलब कॉल आ रहे थे तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिया, तो मैडम कह रही है शाम में देखूंगी, शाम में समझ नहीं पाए उनके पास नहीं होगा एक्सपीरियंस, समझ रहे? नहीं एक्सपीरियंस मतलब मेरे अकॉर्डिंग उनके पास और कोई नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगने रही थी कि DRA हो, DRA तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस था, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस तो था। अच्छा DRA तो आजकल हर कोई कर लेता, पेपर अब इतना आसान है सर, आप भी जान रहे हैं कि नहीं? अरे बड़े भाई रहा वो नहीं पकड़ पाता ना, बहुत से बिना DRA के एजेंसी में बैठे हैं। अच्छा हाँ हाँ वो क्या बोलते हैं ऑडिटर पकड़ पाया है कि नहीं? हाँ तो वैसे आपके साथ बात हुई तो वो मुझसे कह रही है शाम में देख लूंगी लॉजिक वॉजिक, तुम्हारे सारे लॉजिक तुम्हें शाम में बात होगी। मैंने कहा ठीक है मैडम कर लेना। मतलब आपने उसको भर दिया एकदम है? अरे मैंने तो यार कुछ बदतमीजी भी नहीं करी, मैंने तो इतना पूछा मैडम हमारा लॉजिक हमारे दिमाग में नहीं होता, हमारे विचारों में होता, आपका दिमाग में है। फिर मैडम कह रही थी मैं सर आपको बहुत आराम से समझाऊंगी, आप पेमेंट कर दो। मैंने कहा मैडम कैसे समझाऊं, घर आ गए कॉल पर? अच्छा नाम बताइए कि नाम क्या उनका? उनका नाम यार नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि नाम बहुत सारे कॉलर से बात होती है ना मेरी। वो तो है, कोई भी बताया हो शायद हम पहचान सके, नंबर कर पाए, हो सकता हमारे जानने में कोई है। नहीं भाई साहब मैंने वो जो है ना वो आपका प्रेफर से था। अच्छा ये बताइए आपने किसी को फोन लगाया था क्या विनीत करके हैं? अरे आपकी तरफ से बात नहीं थी बड़े भाई? हेलो हाँ हाँ जी बताइए। मैडम आपसे बात थी हुई मेरी, वो किसी और से हुई थी लॉजिक के ऊपर। क्या कह रहे हैं? आपसे बात नहीं, वो किसी और से हुई थी लॉजिक के ऊपर। अच्छा मुझसे बात नहीं हुई है? हाँ वो किसी और से लॉजिक के ऊपर बात हुई थी। नहीं हुई है? अरे किसी और कंपनी की बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा मैं लगा आपकी कंपनी में, नहीं किसी और कंपनी से बता रहा हूँ, प्रेफर का था। चलो चलो कोई नहीं, अब ये कह रहा था भाई तो फिर ये नहीं जमा करेंगे आप, इसको छोड़ दे फिर ऐसे ही। क्या नाम था आपका भाई? आपका क्या नाम था? कह रहे हैं भाई मेरा नाम अभिराज पाठक है सर। अभिराज भाई अभी तो नहीं भरेंगे, बाकी अच्छे बंदे हो। कोई समस्या नहीं है, मेरा भाई हफ्ते भर के बाद नहीं, अगर भरे इस महीने भर लीजिए, अदरवाइज तो कोई बात नहीं हमारे पास चला जाएगा ये। नहीं भाई साहब मैंने ये बोला, मैंने आपसे ये बोला आप अच्छे बंदे हो। अच्छा देखिए भाई टेंशन का काम नहीं है, ये आराम से काम करने वाला है, समझ रहे हैं? आराम से ही काम करते हैं हम, जैसे तरीका है आप तो ही सुनिए, आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस महीने हो पाए अगर सर आपसे कंफर्टेबली तो जमा करिए, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, बस इतना बता दिए मैं लेके लूँ ताकि बार बार कॉल ना कर पाए। नहीं भाई साहब अभी नहीं हो पाएगा। चलो चलो कोई नहीं, धन्यवाद। आप यूपी साइड से हो गया क्या? यूपी साइड से हो गया? यूपी से ही है भाई। अच्छा यूपी से ही हो? हाँ आप कहाँ दिल्ली बैठते हैं? हाँ दिल्ली से हो, यूपी में मतलब काफी मेरा वो है ना जाना आना, तो यूपी वाले लोगों की लैंग्वेज से फिटन जाते हैं यूपी का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम यूपी से ही है ना प्रॉपर रहने वाले, हम कहते हैं ना, हम मैं नहीं बोलता हूँ।
हम बोलते हैं हम। हाँ तो आप मतलब दिल्ली से? हाँ दिल्ली में, मतलब दिल्ली साइड से। अच्छा। आप ये बताओ वहाँ पे यूपी में कहीं बिहार साइड से तो नहीं हो? नहीं नहीं हम यूपी में हैं। क्या कहते हैं आपका? नहीं मेन सिटी में ही है, मेन जो यूपी का बीच लगेगा आपका वहीं रहेंगे। अच्छा 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 जी जी लखनऊ बोलते हैं सर इस शहर को। अच्छा हम यूपी में रायबरेली है ना, रायबरेली। हाँ जानते हैं, पास ही में ही है। हाँ तो बस उधर की तरफ के ही है। अच्छा अच्छा हाँ चलिए फिर कोई नहीं, करिए अगर मन लगेगा भी तो बताइएगा, कॉल करिए करवाएंगे फिर खुद। ठीक है जी ठीक है चलिए ओके धन्यवाद। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।